लगा बेलू जब लिपस्टिक, तू ले लिया लिपस्टिक। अरे यहाँ तो खून हुआ है, अभी फोन करना पड़ेगा सीआईडी को। हेलो सर, इधर एक खून हुआ है, जल्दी से आइए। ठीक है। तो समझे अभिजीत, ये एक लड़का है और इसका नाम भंडारी है। तो हम सबको दिख रहा है? नहीं, जो मुझे दिख रहा है वो तुम लोगों को नहीं दिख रहा है। ऐसा क्या चीज है जो हम लोगों को नहीं दिख रहा? मुझे धुंधला दिख रहा है, तुम लोगों को दिख रहा है क्या? सर हमारा आँख बिल्कुल सही सलामत है। कामचोर सावलन के को फोन लगाओ और बुलाओ यहाँ पे, देखते हैं कोई सुराग मिलता है या नहीं। हाँ सालून के सर, आपको यहाँ आना पड़ेगा। क्या हुआ? सालून के सामने गंदा गंदा गाली दिया मुझे। कोई बात नहीं, इसका मतलब समझे दया, सालून के को गाली देना आता है, लेकिन बहनचोद को जब मैंने बोला था दो चार गाली मुझे सिखा दे, नहीं दिया था, आने दो उसको। वो देखो कामचोर सालून के आ गया। ए चेक कर। ठीक है थोड़ा साइड दो, देखता हूँ चेक करता हूँ क्या हुआ। अरे इसको तो चाकू से मारा गया है, वो भी बहुत बुरी तरह से, घोप घोप के। माय गॉड, तू आता नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता। साले ये पता है, कुछ नया सुराग ढूंढ के बता। अच्छा रुको एक मिनट, मुझे एक मिनट ढूंढ के बताते हैं। अरे ये देखो मुझे कुछ मिला है। अरे रजनीगंधा, रजनीगंधा का पैकेट मिला है, देखो तो। पता लगाओ ये रजनीगंधा कौन खाता है। साले मैं खाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं खूनी हूँ। सालों के सर रजनीगंधा का फिंगर प्रिंट टेस्ट करवाइए, तब तक हम इस लाश को ठिकाने लगाते हैं। अरे मेरा मतलब है इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहा था, यही बोल रहा था। तो ये बोलो ना। एड्रेस यही है ना? हाँ ये एड्रेस है। चलो अंदर चलते हैं। लॉक करो। अरे यार ऐसा करोगे तो मैं नहीं खेलूंगा। दया का होते हुए दरवाजा नॉक कर रहा है। दया दरवाजा तोड़ दो। अरे इसी का तो इंतजार कर रहा हूँ। अरे संजीत क्या हो गया दया? अरे क्या हो गया? टूट गया, टूट गया, टूट गया। अरे इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। बैठो उसको, बैठो। मैं इधर बैठ जाता हूँ। क्या? अरे नहीं सर, आपको नहीं, इस भोसड़ी वाले को बोल रहा था, इसके वजह से मेरा कंधा टूट गया। दया मुझे सब समझ में आता है, मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है। यकीन कीजिए उस दिन रात को मैं नशे में था, तो आपका बीवी अचानक आ गई तो हो गया। फिर साले दया मैं बात के बारे में बोल रहा था, तुम रात के बारे में बोल रहे हो, मेरे पीठ पीछे ये सब चल रहा है। रुको ये क्या सॉल्व कर लूं, उसके बाद देखता हूँ तुम दोनों को। अरे दया को मारो गोली, इसे पूछो वो इसे पहचानते है कि नहीं। अरे अभिजीत तुम ये क्या बोल रहे हो? अरे यार सॉरी, मेरा मतलब था इस केस को जाने दो, उस केस पे फोकस करते हैं। इसको पहचानते हो? हाँ ये तो भंडारी है, मेरे साथ रहते हैं।
तुम दोनों का गे हो? नहीं, वी आर जस्ट फ्रेंड। समझे दया? क्या सर? इसी ने तो बताया, समझ में नहीं आया, दोस्त है दोनों। अरे तो हमको भी पता है, हम लोग तो सुना है अभी। क्यों, इसके साथ किसी का दुश्मनी था क्या? नहीं, वो तो ऐसे फट्टू है, उसके साथ किसी को दुश्मनी हो ही नहीं सकता। चलो फिर कहीं और जाके सुराग ढूंढते हैं। हाँ तो चलो फिर, चलो। सर एक मिनट, उसका एक लड़की वाला फ्रेंड था, बेस्ट फ्रेंड, उसका बेस्ट फ्रेंड का एक बॉयफ्रेंड है, उसके साथ भंडारी को कुछ दिन से कॉल पे झगड़ा हो रहा था। ये तो होना ही था, अगर जीएफ का बेस्ट फ्रेंड लड़का होगा तो झगड़ा तो होगा ही। उसका बीएफ का नाम क्या था? वो तो नहीं पता, लेकिन उसका नंबर है मेरे पास। मेरे को दे। देखो सर एक मिनट, देता हूँ। The number you have dialed is currently busy. अरे बिजी बता रहा है, किसके साथ बिजी है क्या पता? The number you have dialed is currently busy. हाँ सर। Please try again later. ठीक है, आ रहे हैं हम लोग सर। क्या हुआ? उस थालू के सर ने फोन किया था, ऑफिस के अंदर बुला रहा है। कोई सुराग मिलेगा? चलो फिर। चलो फिर। अरे मैया सर। अरे तो आप ही लोगों का इंतजार ही था। मैंने वो फिंगरप्रिंट टेस्ट करवा लिया और उसका जो रिपोर्ट, उसका जो रिजल्ट है मेरे पास ही है। तो एसीबी जी, आप कुछ बताएंगे या मैं ही बता दूं? मैं क्या बताऊं, रुक एक मिनट, कॉल कर लूं थोड़ा। ठीक है। The number you have dialed is not... अबे यार, ये बिजी किसके साथ है साला? दया कॉल लगा ना। हाँ सर, नंबर दीजिए। 222-333-7771 कॉल लगा। दया मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? इस नंबर पे कॉल लगाओ ना जो मैंने दिया। सीपी साहब, दया उसी नंबर पे ही कॉल कर रहा है। हैरानी की बात तो ये है, नंबर आपका। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। और यही नहीं, वो जो बॉडी के पास से जो रजनीकांत का पैकेट मिला था उसी में भी आपका ही फिंगरप्रिंट है। रिपोर्ट में ऐसा ही पूरा दिख रहा है एकदम पूरा। सर इसका मतलब आप ही ने कत्ल किया? पागल वागल हो गए हो क्या? मैं क्यों खून? साले मेरे गर्लफ्रेंड को फोन करता है, हाँ मेरे गर्लफ्रेंड को पूछे। रुक, हेलो कहाँ पे तू? साले अब भी आके मिल मुझसे, मर्द का बच्चा है तो। हाँ मैं खड़ा हूँ, तू आ, तेरे से बात करनी है। हाँ आ जा। तू मेरा गर्लफ्रेंड से दूर रह, वरना मार डालूंगा। अबे हट साले, तू क्या मारेगा मेरे को? तेरा तो खड़ा भी नहीं होता। और तू अपनी बीवी को छोड़ के दूसरी लड़की के साथ मनमानी करता है। उससे तुझे क्या, तू जाके दूसरी ढूंढ लेना। अबे जा, मैं जा रहा हूँ तेरे बीबी के पास और उसे बता दूंगा कि तू उसके पीठ पीछे क्या कर रहा है। मार डालूंगा। रुक साले। Yeah.
याद आया, मैं नशे में था। तो सर कुछ बताएंगे आगे? यहाँ बताएंगे या जेल में या ससुराल में जाके बताएंगे? मैं यही बताऊंगा, लेकिन सब लोग आंखें बंद करो। तो चलिए सर, आपकी ये ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। तुम लोगों की माँ की चूती हो रही। अगली बार से दारू पीना बंद साला, कुछ याद ही नहीं रहता।